कहा था कि पिछले जो 3-4 साल में जो इम्प्रूवमेंट्स हुई थी हमारे माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स में, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन इत्यादि इत्यादि, वो बेसिकली ऑयल के चलते था। ऑयल 30-40 पे इंडिया ठीक रहता है, 70-75-80 के आसपास इंडिया लड़खड़ाने लगते हैं। हमारी हमारी पारी बेसिकली ऑयल के स्विंग के सामने में ठीक बात है। हाँ, तो ये अब हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो अब तब से लेके ऑयल करीब 10-15 समझ लीजिए, जो शक था वो अब यकीन में बदल गया, बिकॉज अब तो सामने है, जाहिर है, बिल्कुल। और उसके चलते आप देखिए कि दादा, थोड़ी दुख की बात है कि 70-75 में हमारी पारी लड़खड़ा गई है। 100 पे पहले लड़खड़ाती थी, 120 पे लड़खड़ाती थी। अगर आप देखें 2005-06 से लेके 2014 तक, तो 100 का एवरेज औसत प्राइस वो रही है। पहले मेरे ख्याल 4 या 4 और 5 में 40-50-60 था, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं थी। 100 के औसत को हमने झेला था पहले, और इस बार 70 पे ही हालत खराब, हालत वैसी लग रही है कि 120 का ऑयल है। ये थोड़ी दुख भरी बात है और थोड़ी चिंताजनक बात भी है कि ऐसा क्यों हमने जो 3 साल की जो 100 बिलियन या 120 बिलियन जो भी एक अनुमान आप लगाए सेविंग की, और हमने पिछली बार बात की थी कि एक लॉटरी लगने पे इंसान को क्या करना चाहिए, आपको शायद याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि एक है कि उसको खा पका जाए, दूसरा है कि उसको एक फंड में डाल दें और कहें भाई इसके ब्याज से हम जो खर्चा करेंगे करेंगे। राइट, हम उसको खर्च कर गए और आज उसको बचाया नहीं। अगर मैं पॉलिसी में होता तो मैं कहता हूँ, और पॉलिसी में देखिए साहब, बाजार का बड़ा, लोग कहते हैं कि बाजार इंडिया में क्या फीलिंग कि स्टॉक मार्केट, मार्केट्स आर कंसिडर्ड बैड थिंग्स, पॉलिसी शुड बी आउटसाइड ऑफ मार्केट, बट पॉलिसी अनफॉर्चुनेटली कैन नॉट बी आउटसाइड ऑफ मार्केट्स। मार्केट्स कैन एंड शुड डिटरमिन पॉलिसी, नॉट टू ऑल एक्सटेंट बट टू सम एक्सटेंट। और ऑयल की पॉलिसी, जितना बड़ा उसका प्रभाव है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स पे, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते जी। 30-35 को आप ये मान के नहीं चल सकते थे कि ये लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। हमने अगर मान लिया तो हमारी ये गलती है। अगर मैं पॉलिसी में था, मैं कहता इसको आप एक ऑयल फंड बना दो, ऑयल स्टेबिलाइजेशन फंड बना दो, इसको छुओ नहीं। ये कंट्री की एक समझ लिए किटी बन गए, 100 बिलियन 120 बिलियन की। बढ़ेगा तो काम आएगा, ऑयल जब बढ़ेगा तो काम आएगा, काम आएगा। लेकिन अभी भी लगता है कि यहाँ से बढ़ना है या घटना है, ऑयल की जो चिंता है उतनी ही अभी भी है या थोड़ी कम हुई है? सिर्फ ऑयल की चिंता हो तब तो मतलब आप जो कह रहे थे कि वो खरगोश को बुलेट से बचना है, तो और कौन कौन सी बुलेट्स आ रही हैं? सर, पॉलिटिक्स का बुलेट है, करेंसी का बुलेट है, बिकॉज करेंसी के जो मूवमेंट है वो ऑयल के से कहीं ज्यादा हुआ है। अगर आप वही मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि ये जो एक वन वे फ्री फॉल हुआ हमारी करेंसी में, और लोग कहते हैं कि नहीं ये बाकी मार्केट्स की भी करेंसी घटी, हाँ रवांडा की घटी है, नेपाल की, और उनसे हम कंपेयर नहीं कर सकते, राष्ट्रीय कंपेरिजन होने लगा है। कहाँ रवांडा का है? हाँ, तो आप देखें लिस्ट देखें तो इस तरह की बात होने लगी। मैंने कहा अब इतने बुरे दिन आ गए हमारे कि हमको अब इनसे कह रहे हैं कि वो 18% वो घटे, हम 18% घटे, ऐसी क्या बात होगी। तो ऑयल के मूवमेंट से कहीं ज्यादा इसमें करेंसी में इफेक्ट आया है। और मेरा ये मानना है कि वाइल मार्केट इज नॉट ऑलवेज राइट, क्वाइट ऑफन इट इज वेरी राइट। और मार्केट ये जज कर रहा है, करेंसी मार्केट की बात करें तो करेंसी अगेन अफेक्ट स्टॉक मार्केट, वी ऑल नो दैट, राइट। मार्केट, करेंसी मार्केट ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई साहब 70-75 के ऑयल की चिंता नहीं है, प्रॉब्लम क्या है कि आपके जो इनफ्लोस थे, आपके करंट अकाउंट डेफिसिट 2.5-3 अगर 100 पे पहुंच जाए तो 4% पहुंच जाएगी, इसकी फंडिंग कहां से होगी? अभी तक पिछले कई वर्षों से जब से FPIs FIIs का खुला है टैप, बाय एंड लार्ज मुझे याद नहीं कि एक बारिंग एक आध साल नेगेटिव कभी नहीं हुआ, अभी कई कई महीने नेगेटिव होते हैं। और अगर साल नेगेटिव हो गया तो ये करंट अकाउंट की फंडिंग कहां से आप करेंगे? सो कैन इट लीड टू अ बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम? मैं नहीं बोल रहा होगा, मैं कह रहा हूं कि मार्केट ये देख, 400 बिलियन डॉलर के रिजर्व से कंफर्ट नहीं है सर। अगर देखे तो जो 10-12 महीने का रिजर्व तो है हमारे पास, तो 10-12 महीने क्या होता है दुनिया में? मुझे लगता है व्यंग के सुर में आप बात कर रहे हैं सर। नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शंकर शर्मा से एक हेडलाइन मिले। सर आपके 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 घर पे अगर 10-12 महीने का ही अगर पैसा बाकी हो, हाँ तो फिर तो सर आप घर वाली सर थोड़ा तो बिल्कुल कहेगी आपने क्या कमाया यार। ठीक बात। तो आप देखें तो 400 बिलियन कुछ खास बड़ा फिगर नहीं होता इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो आपकी डेफिसिट्स हैं। तो ये करेंसी मार्केट का जो मैसेज है वो स्टॉक मार्केट और ऑयल से नहीं है, वो कह रहे हैं कि FPI नेगेटिव है,
या हो सकता है नेगेटिव, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स में भी जनरली माहौल थोड़ा खराब है, उस माहौल में आप ये फंड कैसे करेंगे साहब? और मैंने एक बार ट्वीट भी किया और बातें भी मैंने की है कि मुझे दुख है इस बात का कि 25 साल के रिफॉर्म्स के बाद आज भी अगर हम $70, $75, $100 ऑयल नहीं झेल सकते तो फिर आखिर हमने क्या कमाया एज इकॉनमी? ठीक बात, हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यों के त्यों है। एक ही फर्क हो गया कि 91 में हमारे पास ओपन नहीं था इकॉनमी, जिसके चलते कि एफपीआई नहीं आ सकते थे, एफडीआई भी काफी रिस्ट्रिक्टेड था, उसको हमने खोल दिया, वो फंडिंग आने लगी, लेकिन इससे स्ट्रक्चरली हमने कुछ बदला नहीं अपनी इकॉनमी को। ठीक बात है, स्ट्रक्चरली तब बदलता कि हम इतने बड़े एक्सपोर्टर नेशन हो जाते कि हमें करंट अकाउंट का सोचने की बात नहीं, हमेशा सरप्लस में रहते हैं या एटलीस्ट न्यूट्रल रहते हैं। बीओपी तो खैर डेफिनेटली फार फार अहेड ऑफ न्यूट्रल रहता। अभी हम इसको डेफिसिट में रन करते हैं, हम होप करते हैं कि एफपीआई आते रहे, एफडीआई आता रहे, तो होप पर कैसे आप अर्थव्यवस्था चला सकते हैं साहब? होप करते रहे कि ऑयल $30 रहे। लेकिन आप जनरली ना जब मैक्रो या माइक्रो फैक्टर्स कमजोर हों तो कॉन्ट्रा कॉल लेते हैं, मजबूत हो तब भी आप बड़ा कॉन्ट्रा कॉल लेते हैं, तो अब इस वक्त जब दिक्कतें ज़्यादा दिख रही है, चिंताएं दिख रही है, आपने बताया भी कि एक दो चीज़ें और है, पॉलिटिक्स, चुनाव वगैरह, ये सब सामने, तो क्या इस दिवाली से अगली दिवाली 12 महीने पैसे लगाने का वक्त है या पैसे कमाने का वक्त है? मेरे हिसाब से लगाने का वक्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो मैं, पहली बात है कि प्रॉब्लम को समझना तो पड़ेगा। मैं ब्लाइंड इन्वेस्टर नहीं हूँ, ना ही मैं ब्लाइंड बुल हूँ, देखना पड़ता है चीज़ों को उनके प्रॉपर मापदंड से। मापदंड ये कहता है कि तकलीफ है, लेकिन तकलीफ में ही ग्रेट फॉर्चून्स बनते हैं, और कोई ग्रेट फॉर्चून बनने के लिए ग्रेट बेयर मार्केट होना बहुत जरूरी है। बिना बेयर मार्केट के ग्रेट फॉर्चून्स नहीं बन सकते, बड़ा पैसा नहीं बनेगा, बड़ा पैसा नहीं बनता। फिर तो आप 15% नॉर्मल रिटर्न के स्टॉक्स आपको मिलते रहेंगे तेजी में, उसके ऊपर तो मजा आने वाला नहीं, मजा नहीं। मैं 100% के कम में मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं करने सर, उससे ज्यादा तो बॉन्ड ले लो, एफडी आजकल 8-9% दे देते हैं। ठीक बात, तो आपको बड़ी मंदी चाहिए अगर बड़ा पैसा लाइफ में कमाना है तो जो लोग अगले एक साल में, बिल्कुल आज नजर आ रहा है सर, अगर आज आप देखें, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल आंकड़ा देता हूं, शायद आपको याद भी नहीं होगा, 2015 फरवरी ओके से लेके 2016 फरवरी तक आप अंदाजा लगाएं सेंसेक्स कहां से कहां पहुंचा था एक साल में। वाकई में मुझे याद नहीं आता, मैं बताता हूँ, 29,000 का सेंसेक्स था और वो घट के, आई मीन अप्रोक्सीमेट 29,000 का था, वो घट के हो गया था 24,000, जब निफ्टी शायद 10,000 से वो 7,900 कुछ 8,000 आया था जी। ठीक है, 6,000 पॉइंट मतलब कि 20% राइट, एग्जैक्टली करेक्ट। कितने टाइम में? साल भर में। वो आपको याद भी नहीं आज की डेट में, क्यों? क्योंकि बड़ा वो स्लोली गया था। आज के मार्केट को आप देखें तो ये बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन बने ना बने सर, यहाँ मार्केट में तो बुलेट ट्रेन जरूर बन गया, जो थोड़ा हमें पसंद नहीं आ रहा है। ठीक बात है, और इस पर सवारी करनी कोई मजेदार चीज भी नहीं है। ये स्पीड ऑफ फॉल जो है, इट इज, दैट इज द रियल कंसर्न। मार्केट्स कैन गो अप एंड डाउन, जहां पर इस तरह के वेग से कोई चीज होता है, वेग से अगर मार्केट चले, इसका मतलब फ्रॉम अ बेयर मार्केट, यू नो कि बेयर मार्केट इज ओवर और ये बुल मार्केट अब आ गया। सेम थिंग है रिवर्स साइड में भी, कि किसी वेग से वो मार्केट जाए, इसका मतलब कि जो ट्रेंड था वो टूट चुका है फॉर श्योर। ओके, डेफिनेटली। तो अब ट्रेंड टूट तो चुका है, वो ठीक है, लेकिन गिरना कितना है? क्योंकि अगर मिड कैप्स स्मॉल कैप्स देखें तो 50-60% करेक्ट हो चुके हैं, लार्ज कैप्स थोड़े कम हुए हैं। अब लोग जो समस्याएं सामने आती है 2008 से भी कंपेयर करते हैं, तो क्या 2008 में जो 50-60% गिरे थे उतना गिरना या थोड़े कम से काम चल जाएगा? 2008 में, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है समझना, अगेन एक बहुत ही ज्ञानी इंसान ने मेरे को न्यूयॉर्क में 97 क्राइसिस के टाइम में बताया था। मैंने उनसे पूछ रहा था कि यार ये हर दिन करेंसी 10-10% घटती है इंडोनेशिया की, थाईलैंड की, उन्होंने कहा इस सब चीज़ों में मार्केट को ब्लूमबर्ग बंद कर दो और जाके इतिहास के पन्ने उल्टो। अच्छा, इतिहास में क्या देखो? तो इसको देखते इतिहास की नज़रों से 2008 में 65% मार्केट घटा था इंडिया का और बाकी ग्लोबली भी, मुझे नहीं लगता 65% घटेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, एक साल में 20% तो आपको मैंने एग्जांपल दिया जो आपको याद भी नहीं है, तो क्यों 20% क्यों नहीं हो सकता इन एग्रीगेट? मिड कैप्स ऑलरेडी हो चुके हैं, लार्ज कैप्स को होना है, 30,000 का इंडेक्स होना कोई बड़ी बात नहीं है। बिकॉज आज भी अगर आप देखें, आज भी मेरे हिसाब से सेंसेक्स और निफ्टी मोर और लेस फ्लैट या 1-2% डाउन, कुछ नहीं है साल के लिए डाउन नहीं है।
या किसी मतलब प्रॉपर वे में डाउन नहीं है, वहां से 10% क्यों नहीं घट सकता? राइट, नॉर्मल फॉल है सर, 10% तो आप अगर आप 30% बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी मेरे हिसाब से अभी पिक्चर बाकी है, ये खत्म नहीं हुआ है सिलसिला, और ये सिर्फ इस साल तक नहीं रुकेगा। हाँ, बीच में ये भूचाल आते रहेंगे, अप मूव ये वो, जैसे कि बुल मार्केट में शार्प करेक्शन आते हैं। 16 मई 2014 को 7,250 निफ्टी था, जिस दिन चुनाव के नतीजे आए थे, वापस वहीं पहुंचेंगे अगले चुनाव तक? हाँ, चुनाव तो 9 महीने बचे, 8-9 महीने संभावना है। मेरे हिसाब से अगर 30,000 इस साल का पकड़े इंडेक्स, मेरे हिसाब से पॉसिबल है। अगले साल कोई नजर नहीं आता कोई फैक्टर जो मार्केट को 40,000 कर दे जून के पहले पहले। नई सरकार कोई भी आए तब भी नहीं, मैं जून के पहले पहले, जून के पहले, ओके, जून के पहले पहले कह रहा हूँ, जून के बाद नहीं कह रहा हूँ। तो उसके पहले पहले मार्केट के ऊपर प्रेशर ज्यादा है डाउनवर्ड रादर देन अपवर्ड, तो उसमें और अगर 5-7-10% ले लें तो 26,000-27,000 का सेंसेक्स बनता है साहब, लॉजिकली। और अगर वही आप देखें तो अगर इस साल कोई अगर 10-15% डाउन ईयर ले लें तो वही 30,000 के आसपास आते हैं। एक 10% रिजल्ट ठीक नहीं आया, नतीजे ठीक नहीं आए, क्यों नहीं हो सकता है? हुआ है पहले, आगे भी हो सकता है। एंड ऑयल की जो गतिविधियां हैं, करेंसी की हैं, सबको मिला के मुझे लगता है कि ये रेंज में कहीं होगा। एक बात जो मुझे समझ में आ रही है आपकी पूरी कमेंट्री से, वो ये है कि आपको चिंताएं जो है हिंदुस्तान स्पेसिफिक ही ज्यादा है जी, बाहर की इतना कोई कोई ट्रम्प ट्रेड वॉर में या बड़ी अच्छी बात आपने कही है। और मैं किसी और से भी बात कर रहा था कि अगेन एक दुख की बात यह है कि इसके पहले जो भी मार्केट्स की क्राइसिस आई इंडिया में, चाहे 97-98 की ले लें, डॉट कॉम की ले लें, 2008 की ले लें, ये सारी एक ग्लोबल क्राइसिस थी, बाहर से इंपोर्टेड। हाँ, मतलब वी आर अ लार्ज इकोनॉमी, दुनिया में अगर कोई लार्ज ट्रेंड चल रहा हो तो हम उससे मतलब विपरीत तो मूव नहीं कर सकते, हमें साथ चलेंगे, थोड़ा कम बेसी हो सकता है। ये पहली बार है कि दुनिया में ऐसा कोई मतलब कि ऐसा नहीं, कोई प्रलय नहीं आया हुआ साहब, जो 2001 में देखा गया था या 2008 में देखा गया था या एशियन क्राइसिस। तो इस बार इंडिया कुछ अलग तरह से परफॉर्म कर रहा है, एंड वो एक काफी चिंताजनक बात है। पहले तो फ्रेजाइल 5 की बात होती थी, अब तो फ्रेजाइल 1 की बात होने लगी कि मतलब व्हाई इज इंडिया परफॉर्मिंग दिस वे। सी, चाइना में ऐसा नहीं कर रहा कि कोई कल के कल कोलैप्स हो जाएगा, ब्राजील हैज बीन डूइंग वेल, रशिया ऑल टाइम हाईज की तरफ जा रहा है, व्हाई इज इंडिया परफॉर्मिंग दिस वे, ये एक परप्लेक्सिंग सवाल है हमारे लिए, सबके लिए है। और वो भी $70 के ऑयल पे अगर इतनी हमारी तकलीफें हैं तो अगर $10-20 बढ़ जाए कि वो भी बढ़ सकता है, क्यों नहीं बढ़ सकता? तो ये इंपोर्टेड नहीं है, लार्जली इट्स मोर लाइक अ डोमेस्टिक, नॉट आई वुड नॉट कॉल इट क्राइसिस, बट आई वुड से दिस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, दैट इज वरीसम। ओके, तो मतलब इंडिया स्पेसिफिक इश्यूज ज्यादा है। और क्या फिर ये इलेक्शन के बाद खत्म हो जाएंगे या चिंताएं खत्म हो जाएंगी और तब तेजी बनेगी? देखिए सर, वो तो लंबी बात है, लेकिन कम से कम एक राहत होगी कि भाई एक जो अनसर्टेनिटी थी वो खत्म हुई। और अगर इलेक्शन के बाद भी अनसर्टेनिटी रही तो सर, ऐसे कल मैं कोई डील पे अग्रीमेंट देख रहा था तो सामने वाले लोग कह रहे थे कि अच्छा जी अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ये वो नहीं हुआ तो क्या होगा फला। मैं बोले ऐसे तो यार अगर मैं और आप इससे निकले और एक ट्रक आके मार दे तो क्या होगा, मतलब इस तरह की बातों का कोई मतलब है नहीं। ठीक बात है, कुछ भी हो सकता है दुनिया में, देखी जाएगी, लेकिन इलेक्शन तक मुझे अपसाइड नजर नहीं आता। तो एक तो हिंदुस्तान में पिछले 3-4 सालों में बड़े नए नए निवेशक पैदा हो गए जिन्होंने पहली बार शेयर बाजार का स्वाद चखा है, चाहे उन्होंने सीधे शेयर खरीदे हों या म्यूचुअल फंड से लगाए या SIP लगाया। अब अभी तक उन्होंने लॉस क्या होता है ये कभी समझा नहीं, देखा नहीं, पहली बार एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है, उन्हें क्या करना चाहिए? मेरा ये मानना है कि अगर आप इस चक्रव्यूह में घुस चुके हो, घुस तो चुके हैं, तो फिर अब अंदर रह के घुट के मरने का कोई मतलब नहीं है। चक्रव्यूह से इसमें निकलने का एक ही तरीका है कि आप अगर SIP अकाउंट बंद कर दोगे तो गेम ओवर हो गया आपका साहब, तो मर गए ना, खत्म हो गए बात ना। आपको उस डिसिप्लिन पे कायम रहना पड़ेगा, बने रहना पड़ेगा, ये मान के चलना पड़ेगा थ्रू गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, जैसे बीवी दोस्त माँ पिता जैसा निभाते हो इस तरह शेयर मार्केट के साथ भी निभाना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि फेयर वेदर फ्रेंड है साहब, कि ये सिर्फ पैसा ही देता है, पैसा लेके नहीं, तो बहुत पैसा लेके जाता है, लेकिन बायर दे के जाता है, लेकिन उनको दे के जाता है जिनमें ये बेसिक पेशेंस है, धैर्य है। वो धैर्य अगर आप खो दोगे आज तो जो लॉस नोशनल थे वो बुक हो गए आपके। करेक्ट, इसको अगर एवरेज के हिसाब से आप चलेंगे, और SIP एक अच्छा रूट है, मेरा ये मानना है,
वो आपको करना ही पड़ेगा, वरना फिर चक्रव्यूह से निकल नहीं पाओगे आप। क्योंकि आमतौर पर जिन लोगों के पोर्टफोलियो हैं सब 20-25-30% तो डाउन है ही, ज्यादा ही होंगे, ज्यादा ही होंगे। तो ऐसे सिचुएशन में बड़ा सवाल उनका ये आता कि निकले या बने रहें, तो बने रहने में समझदारी है। इसको आपको वही है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, आपको करना ही पड़ेगा। उसे समझाएं जरा। बस यही है कि एक फिक्स्ड रुपया आप डालते रहिए हर मार्केट के लेवल पे, वो एवरेज होते होते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अहेड आएंगे। ये मार्केट का एक बेसिक लॉन्ग टर्म डेटा है। लेकिन इसमें यही है, इस लाइक देख दवा है साहब, कि बीपी हाई है तभी खाली खा रहे हो, बीपी अगर ठीक हो गया आपने कहा बंद कर दो, डॉक्टर कहे कि नहीं अभी बीवी आपकी सेकंड वाइफ ही है, अब इसको साथ ही लेके चलना। आपको ये समझ लीजिए एक बार घुस गए इसमें तो इसमें एग्जिट नहीं है साहब, एग्जिट नहीं है। वो वैसा दुनिया ही ऐसी है। ये बताइए सर कि जब आप कह रहे हैं कि अगले 9 महीने मुश्किल भरे हैं और इन 9 महीनों में पैसा लगाना है, तो आपके पास बुलेट है और 6 गोली दागनी है, मतलब यही पैसे बचे हैं आपके पास जी, तो आखिरी वाली कब दाग देनी है और सारा पैसा कब लगा देना है? नहीं, सारा पैसा तो वो तो एक हाइपोथेटिकल फिगर है, लोग बाकी जगह से पैसे भी लेके आ जाते हैं, बीवी के गहने भी बेच देते हैं, मतलब वो सब करने की जरूरत नहीं है। एक आप एक पोर्टफोलियो एलोकेशन देखें अपनी एसेट्स का, तो इक्विटी में एज इट इज 30% के ऊपर नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर की चीज है ही नहीं है। ओके, मेरे हिसाब से फॉर एक सामान्य इन्वेस्टर के लिए, अब हम जैसे लोगों के लिए हम हो सकता है कि 80% भी इक्विटी में रहे, क्योंकि आप दिन रात इसी में, दिन रात इसमें यू नो, एंड हमने इतने साइकिल देखे हैं कि फिर घबराहट नहीं होती है। लेकिन एवरेज आदमी के लिए मैं ये कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। उस 30% का आप अगर 25% फिलहाल रखते हो, 5% बुलेट्स थोड़े अपने पास रखो। और मैंने देखा जैसे स्मॉल कैप मेरे को पसंद रहे हैं और आज भी पसंद है, हालांकि कई उसमें 30% डाउन है लेकिन कई डाउन नहीं भी है। इस टाइम में आपको 8-10 अच्छी कंपनियां मिलेंगी कौड़ियों के भाव, नंबर्स अच्छे हैं, आउटलुक ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मार्केट कह रहा है कि सारी कंपनियां एनसीएलटी जा रही हैं कल। हाँ सही है, जबकि उनके पास लोन ही नहीं है। तो इस तरह के माहौल में बड़ा अच्छा लगता है। पहले बचपन में अच्छा नहीं लगता था, या मे भी अच्छा लगता जब आदमी थोड़ा ज्यादा जवान था, शॉर्ट भी कर लेते थे, अब तो ये सब करते भी नहीं, अब छोड़ चुके हैं सर। बस हाँ, अब थोड़े चंबल से निकल गया सर। उसके लिए तो जवानी, मतलब शरीर की थोड़ी चाहिए, दिमाग की चाहिए। सर हर चीज की जरूरत है, एक अलग बात, जरूरत की हर चीज जरूरत है सर, बाजार भी जरूरत है, जरूरत नहीं रहेगा, बाजार कभी छूटेगा नहीं, देखेंगे सर। मतलब ये भी छोड़ सकते हैं, क्यों नहीं छोड़ सकते सर, कुछ भी छोड़ सकते हैं ना। अरे जब जीवन ही आपकी सीमित है तो ये चाह क्यों यू नो असीम रहे साहब, क्या बात है। बिल्कुल, तो मेरा ये मानना है कि इस मंदी में फायदा उठाना चाहिए। और कई कंपनियां लाइक एसेट ऐसी लग रही है कि कल जा रही है एनसीएलटी में, इस तरह के प्राइस हो गए हैं, जबकि कंपनियां बिल्कुल फर्स्ट क्लास बिजनेस कर रही हैं, ऑर्डर बुक है, एग्जीक्यूशन है, नंबर भी मेरे हिसाब से जो आएंगे 30 September के नंबर्स आने लगे हैं और आएंगे भी 15 November तक सारे आ जाएंगे, सारे ये दिखाएंगे कि इतनी कोई बुरी बात नहीं है और इतना बुरा हाल नहीं है इन कंपनियों में। वेट कर लें इस क्वार्टर के रिजल्ट्स के लिए एंड फिर उनमें देखें कि जिनके नंबर ठीक आए, बिकॉज स्टॉक मार्केट कई बार एक अपने जोन में ऑपरेट करता है जिससे कि रियल वर्ल्ड बिल्कुल रिमूव हो जाता है। और मैं आपको एकदम एक सिंपल वन लाइन एग्जाम्पल देता हूँ सर, 2008 की जो मंदी थी, मेरे को लगा कब कि ये मंदी खत्म होने वाली है, हालांकि मैंने एक्ट नहीं किया, मेरी सबसे बड़ी गलती यू नो जीवन की, इन्वेस्टिंग जीवन की, मैं अमेरिका में था इन द मंथ ऑफ जब लीमन हुआ, लीमन के बाद, और वही दिसंबर जनवरी के आसपास 2008-09 में मैं न्यूयॉर्क में जैसे रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, बार में जा रहा हूँ, दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, मेरे को एक जगह खाली नहीं मिलती थी। उसके बाद मैं न्यूयॉर्क से गया सैन फ्रांसिस्को और बिजनेस फर्स्ट क्लास में देखा तो एक सीट नहीं है, इकोनॉमी क्लास देखा तो एक सीट नहीं है। मैंने कहा यार अगर दुनिया बंद हो रहा हो तो मतलब चाहे तो लोग सारे अपने लास्ट कॉइन उड़ा रहे हैं फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास बारों में। मेरे दोस्त ने कहा कि तुमको कहाँ मंदी नजर आ रहा है, बस ये मेरे को दिखा दो। तो कई बार स्टॉक मार्केट एक अपनी एक अलग दुनिया में खो जाता है जबकि रियल वर्ल्ड मे नॉट बी एज बैड। आज मुझे लग रहा है कई कंपनियों को देख के रियल वर्ल्ड इज नॉट दैट बैड, लेकिन मार्केट ये कह रहा है कि सब बैंक्रप्सी कैंडिडेट्स हैं। तो क्या फिर अगले 9 महीने के लिए शंकर शर्मा ने क्या खास तैयारी की है? बहुत तैयारी है सर। क्या क्या कहाँ कहाँ कब कब और कहाँ पैसा लगाया? नहीं, कई कंपनियां देख रहे हैं, कुछ कुछ खरीद भी रहे हैं। और मेरे हिसाब से कि जैसा मैंने कहा कि बड़ा पैसा कमाने के लिए बड़ी मंदी चाहिए, 2008 की मंदी बहुत सार्थक साबित हुई, मेरे हिसाब से ये मंदी बहुत 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 सार्थक रहेगा। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो धनबाद की तरह छोटी जगहों से होंगे और शंकर शर्मा बनना चाहते हैं बहुत सारे लोग,
दिवाली है तो मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि आप एक या दो स्टॉक बता दो, वो फायदे वाली बात नहीं है। फायदे वाली बात तब है कि जब कुछ आप ऐसी बात बताएं कि हिंदुस्तान में एक नहीं कई सारे शंकर शर्मा बन पाए। शंकर शर्मा बनने के कोई ऐसा कोई गोल नहीं है, विराट कोहली की बात करें और नारायण मूर्ति की बात करें, बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सेंट्रल पॉइंट यही है सर के विराट कोहली को देख ले, पिछली बार इंग्लैंड गए थे मेरे ख्याल से 5-0 बनाए थे 7 इनिंग्स में, और इस बार 500-600 रन बनाए। फर्क क्या था, इंसान तो वही है, प्लेयर वही है। ये था कि आपने अपनी ब्रूटली रूथलेसली अपनी वीकनेसेस को एनालाइज किया। स्टॉक मार्केट में सक्सेस अगर आप हाइपर कॉन्फिडेंट हो तो नहीं आ सकता। कई बार आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज वेरी गुड इन स्टॉक मार्केट, क्योंकि इंसान फिर हमेशा देखता रहता है यार मैं कहीं गलत तो नहीं हो रहा हूँ, मैं कहीं रॉन्ग तो नहीं हो रहा, मेरी सोच कहीं ठीक तो नहीं है, कहीं मेरे एनालिसिस में कोई त्रुटि तो नहीं है। हाइपर कॉन्फिडेंट पीपल रेयरली सक्सीड इन स्टॉक मार्केट। सो आपको जाके समीक्षा करनी पड़ेगी हर एक इन्वेस्टमेंट की, हर एक ट्रेड की, जैसा विराट कोहली ने किया, जैसा बिजनेस में करना पड़ता है। स्टॉक मार्केट इज नथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट, और बहुत कम लोग अपनी गलतियों को मान सकते हैं, बहुत कम लोग। ये बात सही है बिल्कुल। चलिए शंकर सर, आपके साथ इंटरव्यू में सबसे बड़ी समस्या एक ही होती है मेरे साथ जी, इंटरव्यू खत्म कैसे करूं। खत्म करने का मन नहीं करता, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ी देर और, लेकिन शायद समय की मर्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हमारे दर्शकों को आपके अनुभवों का और आगे के जो बाजार का आपने डायरेक्शन दिया कि बड़ा पैसा बनाने की तैयारी कर लें, उसका जरूर फायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस से बात करने के लिए। एक बार फिर से आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। तो ये थे शंकर शर्मा फर्स्ट ग्लोबल के, जो बता रहे हैं कि भाई अगले जून तक तैयारी रखिए पैसा लगाने की, बाजार एक बड़ा मौका देगा, और जो बड़ा मौका मिलने वाला है उसे छोड़िए मत, ताकि अगले 3-4 साल आपके लिए बेहतरीन साबित हो पैसा लगाने और पैसा कमाने के लिए। आज से तो बने रहिए जी बिजनेस के साथ, देखिए दिवाली दिल से।